हेलो व्यूवर्स, मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने पालक पनीर तो बहुत खाया होगा। क्या कभी पालक पनीर के परांठे खाए हैं? तो चलिए आज मैं आपको खिलाती हूँ पालक पनीर के परांठे, और साथ ही बहुत ही बढ़िया सी मज़ेदार अनारदाना की हाथ से कुटी हुई चटनी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पालक ले लिया मैंने, और पालक को अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे, पालक को हमने ब्लांच करना है। तो इसको अच्छे से धो के, और एक पतीले में पानी रख दिया है ये उबलने के लिए। तो इस में हम ये पालक जो है डाल देंगे, और पानी को एक उबाला आने तक इसको पकाना है। और उसके बाद हमने इसको निकाल कर और ठंडे पानी में डाल देंगे, और इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए, पालक को ब्लांच करके निकाल लिया मैंने। अब इसमें मिक्सी के जार में डाल दिया, और दो हरी मिर्च डाली हैं, और एक अदरक का टुकड़ा, और थोड़ा सा लहसुन डाला है। और इन सबको हम प्यूरी बना लेंगे इसकी। ये देखिए, इसकी प्यूरी बना ली है। तो अब हम आटा गूंथते हैं। तो प्यूरी को सबसे पहले हम ये सारी एक परात में, या किसी भी जिसमें भी आपने आटा गूंदा है उसमें डाल लेंगे। तो साथ ही इसमें डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और पालक, जितनी पालक है उस हिसाब से हमने आटा डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जो है अच्छा सा एक डोग बन जाए। तो इस तरीके से आटे की क्वांटिटी आप पालक के जो है मॉइस्चर के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हमने इसका अच्छा सा एक डो बना लेना है। तो ये देखिए, आटे को अच्छे से मसल मसल के हमने गूंद लेना है। थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने। आटा जो है बिल्कुल नॉर्मल, जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं, सेम वही प्रोसेस है। बस इसमें जो है पानी की जगह हम पालक का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस पे, और इसको ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, सेट होने के लिए। तो अब एक साइड हम जो है अपने परांठे के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। और साथ ही इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा थोड़ा सा चटक जाए तो इसमें अदरक डालेंगे, बारीक कटी अदरक है। अदरक का जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें परांठे में, तो आप अदरक ज़रूर डालिए। अदरक को 1-2 सेकंड के लिए रोस्ट करके अब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी बारीक काट लिया था, और अब इसको भी हल्का रोस्ट करेंगे। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा जो है गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा इसका जो है कच्चापन दूर हो जाए, इतना ही पकाना है। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्ची मैंने बारीक काट के डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और बस 2-3 मिनट अच्छे से ये भून जाए प्याज। अब इसमें नमक डाल देते हैं, और नमक और साथ ही इसमें लाल मिर्च, और थोड़ा सा जो है अमचूर पाउडर। अब इसको अच्छे से चला लेंगे सब चीज़ों को अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे ये ग्रेट किया हुआ पनीर, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, बस 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये हाई फ्लेम पर मैं कर रही हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो ये देखिए, बस सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए सब, इतना ही पकाना है इसको। तो ये देखिए, अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। और हरा धनिया डाल के हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो जब तक हमारी फीलिंग ठंडी हो रही है तो हम फटाफट से चटनी बना लेते हैं। तो ये चट्टू में मैंने ये लहसुन डाला पहले, और इसको अच्छे से हाथ से कूट लेंगे। देखिए इस तरीके से, मेरे पास ये छोटा सा ही है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ डालूंगी इसमें। आपके पास बड़ा है तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हरी मिर्च को भी कूट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब इसमें एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, इसको भी कूट लेंगे। अब डालेंगे थोड़ा पुदीना और धनिया, इसको भी इस तरीके से धीरे धीरे कूटते जाएंगे सब चीज़ों को। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है ये। और ये देखिए, इस तरीके से इसको कूट लेना है। अब इसमें डालेंगे प्याज, तो प्याज डालते जाएंगे और फिर अब प्याज को कूटेंगे। आपके पास बड़ा चट्टू या सिलबट्टा है उस पे भी बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से इन सबको, अब टमाटर डाल देते हैं, टमाटर डाल के और इस तरीके से सबको अच्छे से धीरे धीरे करके कूटते जाना है। अब साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं ये अनारदाना और साथ ही नमक, इससे जो है जल्दी कूटने में आसानी होगी। तो व्यूवर्स, बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। ये मेरे पापा की फेवरेट चटनी थी, हम छोटे छोटे थे तो मेरे पापा बहुत बनाते थे ये। जब भी वो घर पे होते थे ये चटनी ज़रूर बनाते थे। तो आप भी बनाइए और खा के देखिए, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। तो झटपट से ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको रोज़ ताज़ा बनाइए और ताज़ी ही खाइए। तो अब इसको किसी बाउल में निकाल के रख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा आटा आटा भी सेट हो चुका है और हमारी फीलिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम फटाफट से इसके परांठे बनाते हैं। तो एक लोई ली है मैंने, उसको इस तरीके से रोटी बेल लेंगे जैसे नॉर्मल हम चपाती बनाते हैं। ये देखिए, अब इसमें फिलिंग भरेंगे, एक दो चम्मच के करीब इसमें फिलिंग भर देंगे, जो पनीर की फिलिंग हमने बनाई है 2-3 चम्मच। अब इस तरीके से चौरस परांठे बनाएंगे हम। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं या तिकोने भी बना सकते हैं। तो ऐसे बेल बेल कर, ये देखिए इस तरीके से हमने बेल लेना है, नॉर्मल जैसे हम परांठे बनाते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, एक साइड तवा गरम कर लिया है, थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया था तवे को। इसके ऊपर ये परांठा डाल के और अच्छे से हमने घी लगाकर और सेक लेना है दोनों तरफ से। तो घी अगर आप कम खाते हैं तो आप कम लगाइए। तो इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छे तरह से अलट पलट करके इसको, परांठे को हमने बढ़िया सा क्रिस्पी कर लेना है। बहुत ही टेस्टी परांठे बनते हैं और हमने इसमें पालक डाली है तो हेल्दी भी है। तो आप बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत खुश होकर खाएंगे आपके बच्चे। तो ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमने सेक लेना है। तो अच्छे से क्रिस्पी कर करके इसी तरीके से बाकी के परांठे भी हम बना लेंगे और फिर गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। गर्मा गर्म पालक पनीर के परांठे बनकर तैयार हैं और साथ ही चटनी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आगे जो भी मेरी रेसिपीज आएँ
उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।